देवेरिया की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इसकी गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। एक तरफ जहां पुलिस दावा कर रही है कि प्रेम यादव की पत्नी और बेटी झूठ बोल रहे हैं, तो वहीं प्रेम यादव की पत्नी ने पुलिस पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा डाला है। दरअसल प्रेम यादव की पत्नी और बेटी ने दावा किया था कि घटना वाले दिन प्रेम यादव को सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष की ओर से बुलाया गया था, वो भी फोन कर। लेकिन पुलिस ने प्रेम यादव की पत्नी और बेटी के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेम यादव की CDR खंगालने के बाद पता चला है कि 2 अक्टूबर की सुबह उनके पास कोई कॉल नहीं आया था। अब इस मामले में एक बार फिर प्रेम यादव की पत्नी ने बयान जारी किया है। पुलिस के बयान पर प्रेम यादव की पत्नी ने कहा कि फोन आया था, तभी प्रेम यादव घर से गए थे। बिना किसी के बुलाने पर वो कहीं नहीं जाते थे और घर पर ही रहते थे। हमें किसी पर भरोसा नहीं है, पुलिस अब यहाँ किसी को भी नहीं आने दे रही है। प्रेम यादव की पत्नी का दावा है कि पुलिस झूठ बोल रही है। इसी बीच राइफल को लेकर प्रेम यादव की पत्नी का बयान सामने आया है, जिसमें प्रेम यादव की पत्नी ने बताया है कि पुलिस के मांगने पर मैंने अपने हाथ से घर से राइफल निकाल कर दी थी, बाकी मुझे नहीं पता कि वो राइफल कहाँ है। ऐसे में पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस सच बोल रही है या प्रेम यादव की पत्नी, क्योंकि इस केस में लगातार राजनीति भी जमकर हो रही है। यहाँ तक कि इस मामले को ब्राह्मण वर्सेस यादव से जोड़ दिया गया है। इस मामले में पुलिस अभी तक 21 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है। इसमें प्रेम यादव के पिता राजभवन यादव, छोटे भाई रामजी यादव और प्रेमचंद यादव का ड्राइवर नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू शामिल हैं। इसमें कुल नामजद 27 अभियुक्त हैं, जबकि 50 अज्ञात हैं। आपको बता दें, रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की 2 अक्टूबर को उनके प्रतिद्वंदी सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रेम यादव के समर्थकों के हमले में दुबे, उनकी पत्नी और 3 बच्चों समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली गई थी। इस घटना के बाद से ही देवरिया में राजनीतिक दलों का तांता लगा हुआ है। हर कोई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रेम यादव की पत्नी ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, वो एक जांच का विषय भी अब बन गया है, क्योंकि प्रेम यादव की पत्नी का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, यानी कि केवल उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, जबकि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर कोई कुछ नहीं कर रहा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।